चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, मुझे नहीं लगता बीजेपी की 5 से ज्यादा सीट आएंगी। 5 भी ओवर एस्टिमेट है मेरी नज़र में। थैंक यू कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती? आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है, और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं एक शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है, अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जो सिंह सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं, वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी है, कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या आप तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना तो गालियाँ, उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है, मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई, इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिसपे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है, उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है, 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे, उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ, जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे, तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध पानी को पानी। एक मिनट, इनका
कैसे संतुष्ट हो सकता है? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के चार दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई? एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनके उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है, उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच निष्पक्ष जांच कैसे होगी, कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियाँ मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस में भूचाल आने वाला है, बहुत से चेहरे हैं जो थोड़ी देर में जो बेनकाब होने वाले हैं। दोनों मैं बताऊं, देखो सिद्धू साहब कहने हैं मेरा मॉडल, उस मॉडल नू कांग्रेस ने प्रवान किया जिस वेले उन्होंने अनाउंस किया कि 13 सूत्री जाओ। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं मैनीफेस्टो कमेटी का चेयरमैन मैं हाँ, ये तो मीटिंग ही नहीं हुई कदे, एक किमें लिखता जी मैनीफेस्टो चो। सो सिद्धू साहब जड़े ने उन्होंने वो एक सीट तक वो महदूद ने, तो उन्होंने मॉडल पंजाब का है। सो वो मॉडल पहले कांग्रेस तो प्रवानगी ले लैन। सो इस करके साडा जिहड़ा देखो सी एम साहब आए, इन्होंने महिलावान वास्ते 1000 रुपये का अनाउंस किया 18 साल तो उपर हरेक महिला। एक मिनट लैट मी फिनिश। सिद्धू साहब कहते मेरे ना डिबेट करो, ये तुम किमें दे दोगे? चार दिन बाद आप ही कह रहे थे मैं 2000 रुपये दूंगा, नाल 8 सिलेंडर दूंगा, 5वीं पास में 10,000, 8वीं पास में 15,000, 10वीं पास में 20,000, नाल स्कूटियाँ नाल लैपटॉप। मतलब लोगों ने यदा मजाक उड़ाया इस गल का कि जड़िया स्कूटियां ने जड़िया 12वीं पास कुड़ियां जिन्होंने मिलनगियां, ये सिर्फ उन्होंने ही मिलनगियां जिन्हों के भाइयों कैप्टन वाले स्मार्टफोन मिल गए। सो यहा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी लिखी जाते हैं, कुछ भी असी गरंटियां दी हैं, पूरा रोड मैप बना के कर सकते हैं, बजट कितों आऊगा और करके दिखावे जिमें दिल्ली के करके दिखाया। थैंक यू। नहीं हूँ तो सवाल भी थोड़ा है, जवाब भी थोड़ा ही है। देखो जी उन्होंने देखो उन्होंने मुबारक शब्दावली उन्होंने जो भी बोलते हैं, तो पत्रकारों भी तू तू करके बोलते हैं, तो ये उन्होंने मुबारक है। तो ठीक है, वो जनरेशन वास्ते लड़ रहे हैं, असी जिहड़ी आ करंट जनरेशन है उन्होंने बचाने वास्ते लड़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता बीजेपी की 5 से ज्यादा सीट आएंगी, 5 भी ओवर एस्टिमेट है मेरी नजर में। थैंक यू।